और इस वक्त एक बड़ी खबर हरियाणा से, सीआईजी विभाग को लेकर सीएम मनोहर लाल के बीच असमंजस्य के बाद अब इसे गृह विभाग से अलग करने की तैयारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गृह मंत्री अनिल विज से सीआईजी विभाग वापस लेने पर विज गृह मंत्रालय छोड़ सकते हैं। सरकार इसे कैबिनेट में लाने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार कर रही है, जिसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव वी उमाशंकर को सौंपी गई है। कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद सरकार ड्राफ्ट पास करवाने के लिए विधानसभा सत्र में इसे पास करने के लिए पेश कर सकती है। हरियाणा की गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच सीआईडी विभाग को लेकर छिड़ा विवाद थम नहीं रहा। इस बार गृह मंत्री अनिल विज के तेवर पहले से भी ज्यादा तीखे नजर आ रहे हैं। यहां विज ने सीआईडी विभाग को वापस लिए जाने की खातिर की जा रही भागम भाग के पीछे की मंशा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री जब सर्वे सर्वा होता है तो बिना किसी उसके भी सारे अधिकारियों को वो डायरेक्ट आदेश दे सकते हैं, सारे अधिकारियों से डायरेक्ट जानकारी ले सकते हैं। ये जो इतनी भागम भाग हो रही है, मुझे लगता है इसके पीछे कोई मंशा और है। पहली बात तो सरकार का इंटरनल मामला होता है, इसमें कोई पब्लिक के बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती किसी प्रकार की। लाइन आउट की स्थिति हमारी अच्छी है, हमारे यहाँ हर प्रकार के सिस्टम ठीक हैं, हम आपस में बातचीत करके उसका रास्ता निकाल लेंगे। कोई एक टेक्निकल लैकुना उसमें है और वो टेक्निकल लैकुना जो है उसको हम जल्दी ठीक कर लेंगे। अभी यही फैसला नहीं हो रहा है कि एक सीआईडी जैसा डिपार्टमेंट किसके पास होगा, गृह मंत्री के पास या मुख्यमंत्री के पास, दोनों अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार कौन चला रहा है। विज ने मुख्यमंत्री को सर्वे सर्वा कहते हुए मशवरा दिया कि अधिकारियों को सीधा आदेश देकर सीआईडी विभाग वापस ले लें, इतनी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने तो हमेशा कहा है कि मुख्यमंत्री जी सर्वे सर्वा हैं, वो जब चाहें जिस डिपार्टमेंट का विभाजन करना चाहें विभाजन कर सकते हैं, किसी विभाग को लेना चाहें उस विभाग को ले सकते हैं। मैंने कभी इस बात पर एतराज नहीं किया। दरअसल सीआईडी विभाग किसके पास होना चाहिए, इसे लेकर जारी विवाद से जुड़े सवाल जब भी मीडिया पूछता है तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री किसी भी तरह की खींचतान से इनकार कर देते हैं, लेकिन फिर अगले ही दिन एक नया बयान इस विवाद को और हवा दे देता है। अम्बाला से अमन कपूर, जी मीडिया।